वालेकुम इस डायग्राम में ये जो शेडेड रीजन है हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो पहले समझ लें कि ये जो डायग्राम दी गई है ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ क्या है टेन यानी टेन क्रॉस टेन का एक स्क्वायर आपको गिवन है तो पहले तो इस सारे का एरिया फाइंड कर लें कि इस सारे का एरिया कितना है इस सारे स्केयर का तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि जो एरिया स्क्वायर है इस सारे स्क्वायर का एरिया वो कितना है अब जो स्क्वायर का एरिया होता है वो एक्स स्क्वायर या टेन क्रॉस टेन से करेंगे तो मिल जाएगा हमें वो हो गया हंड्रेड यानी इस स्क्वायर का एरिया कितना है हंड्रेड यूनिट स्क्वायर जो भी होगा ठीक है तो इसका एरिया है हंड्रेड अब इस एरिया में अगर मैं इस शेडेड रीजन को फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये एक्स है और ये जो रीजन है ये वाई है तो अगेन ये एक्स है फिर ये अगेन वाई है ये अगेन वही एक्सी है ये भी एक्सी है और ये वाई रीजन है तो ये भी वाई रीजन है अब वो जो एरिया सारा स्केयर का था उसमें कितने एक्स और कितने वाई आ रहे हैं वन हो गया तो उस जो स्क्वायर था हंड्रेड यूनिट स्क्वायर का उसमें कितने एक्स और कितने वाई आ रहे हैं एक एक्स दो एक्स तीन चार एक्स हैं और चार वाई हैं यानी फोर एक्स प्लस फोर वाई मिलकर क्या बनाते हैं यानी कितना एरिया बनाते हैं हंड्रेड बनाते हैं तो अगर मैं फोर पर डिवाइड कर दूं इक्वेशन को तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो ये इक्वेशन नंबर वन हमारे पास आ गई अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर टू कहाँ से बनाएंगे देखें ये जो अब टोटल ये लेंथ थी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह है टेन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह कितनी है ये फाइव है तो ऊपर भी देखें तो ये भी फाइव होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये फाइव सेंटीमीटर का एक सर्कल बन रहा है यहाँ पर जिसकी ये बाउंड्री है राउंड अबाउट ठीक है तो अब फाइव सेंटीमीटर का ये सर्कल है लेकिन जो हमारा एरिया यूज़ हो रहा है जो ये वाला एरिया है जिसमें दो एक्स और एक वाई आ रहा है वो एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है यानी एक ये एक्स और ये एक्स और ये वाई यानी टू एक्स प्लस वाई दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी ये इक्वल है किसके एरिया के सेमी सर्कल के एरिया के सेमी सर्कल के एरिया होता है जो सर्कल का एरिया है उसका हाफ तो टू एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा आर की वैल्यू इस सर्कल का रेडियस कितना है फाइव तो फाइव इधर पोट करेंगे तो ट्वेंटी फाइव पाए बाय टू ये हमारी दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी ठीक है तो यहाँ से पता चला कि टू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको आसान आंसर आता है थर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव अब ये इक्वेशन नंबर टू है ये इक्वेशन नंबर वन है इन दोनों को हम सिमल्टेनियसली uh, सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी एक्स हमारा क्या है वही शेडेड रीजन ही है तो मैं इस इक्वेशन को इसके साथ रखता हूँ दूसरी को टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू थर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव और इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू को करता हूँ माइनस तो क्या आंसर आएगा टू एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जीरो ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव माइनस का फोटीन पॉइंट टू फाइव तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी फोटीन पॉइंट टू फाइव जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया था